गुड़गांव में बीएसपी संस्थापक काशीराम की मूर्ति तोड़ी गई। सेक्टर 4 के अंबेडकर भवन में लगी थी मूर्ति। दलित समाज के लोगों ने किया सेक्टर 5 थाने का घेराव। आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग। महाराष्ट्र के वर्धा में सेंट्रल एमिनेशन डिपो में आग, 17 की मौत। मुंबई में मेल ट्रेन पटरी से उतरी, लोअर परेल स्टेशन के पास हादसा, यार्ड में जा रही थी ट्रेन, नहीं थी सवारी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रैफिक सिग्नल पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार बस ने सिग्नल पर खड़ी कई गाड़ियों को मारी टक्कर। दिल्ली के वजीराबाद रिंग रोड पर डिवाइडर पर चढ़ा तेज रफ्तार ट्रक, ट्रक को पीछे से ऑटो ने मारी टक्कर, 3 घायल। दिल्ली के निहाल विहार में 28 साल की कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली में गैस एजेंसी के मैनेजर की आंखों में मिर्ची झोंक, बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए लूटे, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में महज 15 सेकंड में लॉक तोड़कर चोरों ने बाइक को चुराया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के आनंद पर्वत में करंट लगने से नवविवाहिता की मौत, घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मेरठ में आफ्ताब नाम के शख्स ने अपनी पत्नी को सेल्फी लेने के बहाने नहर में धकेला, आरोपी हिरासत। गाजियाबाद में शादी के 2 महीने बाद ही पति का कत्ल, पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप। यूपी के एटा में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में बैंक से लाखों की लूट, 30 लाख रुपए और 1 किलो सोना ले गए बदमाश। मिर्जापुर के शिनाली वाटरफॉल में सेल्फी लेते वक्त 2 छात्रों की मौत, पांव फिसलने से गहरी झील में गिरे थे छात्र। कानपुर के रामा डेंटल कॉलेज में करंट लगने से दिल्ली के छात्र की मौत, 3rd ईयर का स्टूडेंट था अभिषेक। दिल्ली में शातिर चोरियों ने भगवत कथा के दौरान घूंघट की आड़ में चुराई लाखों की सोने और चेन और मंगलसूत्र, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। असम के चिरांग में 6 साल की बच्ची से रेप, 7 साल के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवपुरी में स्टील की मटकी में फंसा बच्ची का सर, इलेक्ट्रिक कटर से मटकी काटकर बच्ची को बचाया गया। जलपाईगुड़ी में तस्करों से तेंदुए की खाल जब्त, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पटियाला में चलती बस से गिरी 2 युवतियां, हादसे में 1 की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। रजौरी की यूनिवर्सिटी के कैंपस के जंगल के इलाके में लगी आग, 2 दिन बाद भी नहीं पाया जा सका आग पर काबू। अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में शराब से भरी एक कार पलटी, शराब लूटने वालों की लगी भीड़। राजकोट में एक महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर दी जान, खुदकुशी की वजह का पता नहीं चला। चिकमंगलूर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे घूम रहे 2 बच्चों को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। जलंधर के खिंगरा गेट इलाके में केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। अलीगढ़ के खैर में कोल्ड ड्रिंक के साथ जहरीली चीज पीने से 1 लड़की की मौत, 3 लड़कियां बीमार। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी, मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की दी चेतावनी। प्रशासन की तैयारियों के दावों के बीच 4 धाम यात्रा मार्ग पर फंसे यात्री, सरकार पर बद इंतजामी का लगा आरोप। पंजाब के फिरोजपुर में बच्चे पानी की बोतलें भरकर सूखाग्रस्त इलाकों में भेज रहे हैं, ट्रेन यात्रियों की मदद से शुरू की गई मुहिम। मध्यप्रदेश के देवास में बाइक सवार बदमाशों ने 6,35,000 रुपए लूटे, मामले में 7 आरोपी फरार। एनआरएचएम घोटाले में रिश्वत के आरोपी आईएएस अफसर नीरज के पवन गिरफ्तार, एडिशनल डायरेक्टर भी गिरफ्तार। जयपुर से श्रीगंगानगर आए 4 युवक और 2 युवतियां, नहर में फंसे, हादसे में 1 युवक की मौत। राजस्थान के सीकर में चोरों ने दिन दहाड़े एक घर से लाखों के जेवर और नकदी पार किए, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। जयपुर में 50 लाख की अवैध शराब जब्त, 2 ट्रकों में छुपाकर ले जाई जा रही थी शराब। चूरू के होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा, 1 महिला समेत 8 गिरफ्तार। वाराणसी में लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी की दुर्गा वाहिनी के सदस्यों को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग, जूडो लाठी के साथ बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है। देवरिया में स्थानीय कांग्रेस नेता पर नौकरानी की 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, गिरफ्तार आरोपी गिरिराज तिवारी कांग्रेस के जिला महासचिव। बिजनौर में शादी नहीं होने से नाराज प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, प्रेमिका की मौत, प्रेमी की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मेरठ में शादी के जश्न में हुई फायरिंग, ली 20 साल के युवक की जान, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने आंदोलन की दी चेतावनी, कल से विशाल धरना प्रदर्शन की तैयारी। इटावा में एक घर में लुटेरों का कोहराम, चाची ने अपने आबरू लुटाकर भतीजी की बचाई इज्जत, गैंगरेप के बाद लाखों का माल लूटकर फरार हुए बदमाश।
मुरादाबाद में नाबालिग से गैंगरेप के बाद दबंगों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किया, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मथुरा में दुकान मालिक से तंग आकर एक सेल्समैन ने की खुदकुशी, परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर किया हंगामा। इलाहाबाद में पुरानी रंजिश के चलते दारोगा समेत 5 लोगों की हत्या, पुलिस ने 6 लोगों को लिया हिरासत में। हरदोई में 2 दुकानों से लाखों का माल चुराकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। नोएडा के फौज इलाके सेक्टर 14A के पास उबर कैब चालक की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस को बाइक सवार बदमाशों की तलाश। आगरा में एसपी दफ्तर के सामने जेब कतरे की होमगार्ड जवान ने जमकर की पिटाई, महिलाओं ने भी की धुनाई। सुल्तानपुर में फर्जी जेल सुपरिटेंडेंट बने कारोबारियों से ठगी करने वाले 2 जालसाज गिरफ्तार, जेल में सामान लगाने का झांसा देकर करते थे ठगी। फैजाबाद में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से 20 लाख की लूट, लूट में कंपनी के ही पूर्व कर्मचारी का हाथ। धौलपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन, नगर परिषद कार्यालय में डीएम दफ्तर तक निकाला मार्च। बिहार में अपराधियों का फिर दिखा बोलबाला, पटना में रंगदारी नहीं लेने पर दुकान में घुसकर कारोबारी की हत्या। छपरा के खेरा थाना इलाके में भी एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या, हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। गया के चक्रबंधा इलाके में 10-10 किलो के 2 जेलेटिन बम बरामद, बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर निष्क्रिय किया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की फिर खुली पोल, हाजीपुर में इंटरमीडिएट की टॉपर छात्रा को परीक्षा में कुल कितने अंक ये भी नहीं मालूम। दरभंगा में 1.25 लाख कर्ज नहीं चुकाने पर एक शख्स ने अपने बिजनेस पार्टनर की पत्नी को बनाया बंधक, पुलिस ने महिला को कराया आजाद, आरोपी गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी जारी, गया में आसनसोल वाराणसी पैसेंजर ट्रेन से भारी मात्रा में शराब जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। जमशेदपुर में शराबी पति की घिनौनी करतूत, पत्नी को निर्वस्त्र कर जमकर की पिटाई, घटना के बाद से आरोपी फरार। गोड्डा में देसी बम फटने से एक बच्चे की मौत, 2 बच्चियां घायल, पुल के नीचे थैले में रखे बम को खिलौना समझकर खेल रहे थे। हजारीबाग में सरकारी अस्पताल की खुली पोल, सांप काटने के बाद इलाज के लिए भर्ती मरीज को अस्पताल परिसर में लिटाकर ओझा से करवाया इलाज। चंदवा में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, आग में कई गाड़ियां जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अजमेर शरीफ में खादिन पर दरगाह के निजाम गेट पर महिला कांस्टेबल से छेड़खानी और मारपीट का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। भरतपुर में 2000 की रिश्वत लेने के मामले में एएसआई और कांस्टेबल को 4 साल की सजा, अदालत ने 30,000 का जुर्माना ठोका। धौलपुर में परिजनों से नाराज होकर एक युवक ने चंबल नदी में लगाई छलांग, युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। आईपीएल फाइनल के दौरान अलवर में सट्टा लगाते 6 लोग गिरफ्तार, 15 मोबाइल लैपटॉप और टीवी के साथ 1.25 लाख कैश बरामद। भरतपुर में सरकारी अस्पताल के पास भ्रूण मिलने से हड़कंप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। रंग लाई आज तक की मुहिम, जयपुर में पाकिस्तान से आई हिंदू लड़की को मिलेगा मेडिकल में दाखिला, सुषमा स्वराज ने फोन कर कर्नाटक में मेडिकल सीट का किया ऑफर। राजस्थान में गैंगस्टर आनंद पाल की गिरफ्तारी के लिए बीकानेर और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी, कीकासर गांव से गुर्गा गिरफ्तार। धौलपुर में रेलवे चौकी में एक वेंडर ने धारदार हथियार से की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बूंदी में एक युवक ने पेड़ से लटककर की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सवाई माधोपुर में जहरीला दाना देकर मोरों का शिकार आया का मामला आया सामने, पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। जयपुर के फौज इलाके वैशाली नगर में मालकिन की हत्या कर लाखों का माल लूटकर फरार हुआ नौकर, पुलिस कर रही है तलाश। इंदौर के सबसे बड़े MY अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही, आईसीयू में भर्ती बच्चे को ऑक्सीजन की जगह चढ़ा दी एनेस्थीसिया, मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा। बैतूल में घोड़ा डोंगरी विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के दौरान एक गाड़ी से करीब 1.5 लाख कैश बरामद, पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया। होशंगाबाद में सड़क हादसे में जेडीयू नेता शरद यादव के भतीजे प्रवीर यादव की मौत, बस से टकराई थी कार। सतना में शराब माफिया का आतंक, मीडिया के साथ पुलिसकर्मियों पर बोला जानलेवा हमला। गुड़गांव में डीसीपी के घर के सामने रोडरेज का सनसनीखेज मामला, कार चालक और बाइक सवार के बीच मामूली कहासुनी के बाद बीच सड़क लात खुसे। करनाल में पंचायत का तुगलकी फरमान, प्रेम विवाह करने पर लड़के के परिवार को गांव छोड़कर जाने का सुनाया फरमान। जाट आंदोलन से निपटने के लिए रोहतक में पुलिस ने कसी कमर, हाई लेवल मीटिंग में पुलिस वालों को दी गई रबर और प्लास्टिक गोलियां चलाने की जानकारी। 5 जून को जाटों के आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार सतर्क, रोहतक में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ बीएसएफ जवानों की तैनाती। पंजाब के गुरदासपुर में किसान पति की खुदकुशी के बाद विधवा ने की आत्मदाह की कोशिश, बुरी तरह घायल महिला अस्पताल में भर्ती।